गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि जो भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी चाहे किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज हो, और उन इंडस्ट्रीज में हमारे जो बच्चे हैं, पहले तो ये बच्चे जो 10th क्लास या 12th क्लास पास आउट या इवन 8th क्लास के जो बच्चे थे, सिर्फ उनके लिए ये एक स्कीम बनी थी कि ये बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते लेकिन जॉब लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री के साथ अपनी एक ट्रेनिंग करें, जिसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। ये मुश्किल वर्ड लगता है, इसका मतलब यही है कि ट्रेनिंग करना, आसान लगता है, इसका मतलब ये है कि छोटी सी ट्रेनिंग करना, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 3 साल भी हो सकता है। इसी स्कीम को जो है गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया, रिफॉर्म किया, और आज ना ही सिर्फ 8वीं, 10वीं या 12वीं के बच्चे या ड्रॉप आउट इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, बल्कि इवन जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो बच्चे भी अगर ये चाहते हैं कि वो आगे पढ़ाई ना करके, या इवन अगर उन्होंने पढ़ाई की है फिर भी एक्सपीरियंस, जिसको जॉब एक्सपीरियंस कहते हैं, वो लेना चाहते हैं और इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली काम करना चाहते हैं, तो ये स्कीम उन बच्चों के लिए, सिंपल लफ्जों में ये स्कीम का जो है मैंने आपको बताया समरी। अब इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं शायद आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी इसके बाद एक पूरी प्रेजेंटेशन होगी, आपके साथ एक वर्कशॉप होगा कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि जो अप्रेंटिसशिप चाहता है बच्चा और जो इंडस्ट्री या जो ओनर है इंडस्ट्री का, वो अप्रेंटिसशिप देना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके बारे में भी आपको पूरा बताया जाएगा। इसके बारे में जो मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है, बच्चों को पहले पता होना चाहिए कि ये ट्रेनिंग पहली चीज इम्पोर्टेंट क्यों है। आप कोई भी जॉब अप्लाई करें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, आज हर चीज में ये पूछते हैं कि आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने क्या इसमें कोई स्पेसिफिक किस फील्ड में कोई काम किया है, चाहे वो प्रो बोनो हो, मतलब बिना पैसे का काम, प्रो बोनो सुन रहे हैं, या सोशल सर्विस की तरह काम किया है, या आपने उससे कमाई की, तो ये तीनों एस्पेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी जॉब के लिए। आज मैं आपको बताती हूँ गवर्नमेंट जॉब्स में जब आप इवन आईएएस के एग्जाम बैठते हैं तो पहले आपसे पूछा जाता है कि इससे पहले कोई आपने काम किया है, तो इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है एक्सपीरियंस को, क्योंकि जो चीज आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो शायद आप किताबों से नहीं सीख सकते, तो इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि इससे आपको ऑन जॉब जो है वो एक टेक्निकल नॉलेज मिल जाती है कि आपने जब काम में जाना है, किसी फील्ड में जाना है, तो आपकी नॉलेज कितनी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स किस चीज में होनी चाहिए, और ये चीजों में आपको फर्दर जो है वो नॉलेज गेन करनी है। दूसरी चीज जो मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम आज हमने शायद आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बच्चे हमारे यहाँ बच्चों, आप वहीं से कहाँ से हो, आईटीआई से, तो ये सारे एलिजिबल है, हर बच्चा जो है वो उसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि देयर इज अ गैप, अगर हम अभी इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री वाले भी ऐसे लोग चाहते हैं कि जिनको काम आता हो, लेकिन एक गैप है कि जो इनकी स्किल्स हैं, जो इनका नॉलेज है और जो ऑन जॉब होनी चाहिए उसके बीच में बड़ा गैप है, वो इसलिए है क्योंकि बच्चों ने इस फील्ड में ट्रेनिंग नहीं की होती। तो आज ये सारे बच्चे जो है ये हमारे मुखातिब है और इनके लिए हम ये स्कीम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारे पूरे यूपी में, जैसे अभी इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी रही है कि इसको प्रॉपर जो है अमली जामा वो पहनाया नहीं गया आज तक। इसके लिए ये एक वर्कशॉप और ये हमने एक प्रेजेंटेशन भी आपके सामने रखी कि किस तरीके से आप बच्चे जो है कैसे अप्लाई करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरीके से अपने आपको रजिस्टर कराएंगे इसके लिए, और स्टाइपेंड, मतलब जब आप काम करें तो कुछ पैसा जो है आप बच्चों को ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि अगर आप 5th to 9th के बच्चे ड्रॉप आउट रहे हैं तो उसका एक मिनिमम स्टाइपेंड आई थिंक 5,000 है, और उसमें से भी आधा जो है वो गवर्नमेंट देगी और आधा जो है वो इंडस्ट्री देगी। इसी की तरह 10th पास आउट के लिए अलग स्टाइपेंड है, 12th के लिए अलग है, सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन, वोकेशनल टेक्नीशियन ऑलरेडी है या डिप्लोमा होल्डर्स है या ग्रेजुएट है, मतलब ग्रेजुएट के लिए 9,000 भी ज्यादा स्टाइपेंड।
अभी डिपेंड करता है कि स्टेट और इंडस्ट्री उस एरिया में कैसी है। हम ये चाहते हैं, इसका मकसद क्या है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे बारामूला में ही ट्रेन हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ ट्रेन हो, और फिर हम कोशिश करके अगर यहाँ नहीं हो पाते तो हम उनको आगे पीछे जो उनके लिए ज्यादा जिसमें उनको यहाँ से मोबिलाइज नहीं करना पड़े, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। तभी हमने यहाँ के जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज वाले हैं या एसोसिएशन वाले को बुलाया है, ताकि घरों से बाहर ज्यादा ना निकलना पड़े, अपने कंफर्ट में, अपने घर के कंफर्ट में भी वो ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। ये भी इसका एक बेसिक पर्पज है जो हम आज इन सबको एक तरीके से वी आर डूइंग दिस वर्कशॉप। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपका जो भी ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग होते हैं, जब ये सर्टिफिकेट मिल जाते हैं इनको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब आप बोलेंगे कि आपने ग्रेजुएशन फॉर एग्जाम्पल नहीं की और आप 10th क्लास ड्रॉप आउट है या 10th क्लास ही पढ़ा है और 12th ही पढ़ी है, इस सर्टिफिकेट